वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वे साड़ी पहनना चाहे, वे जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो। मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ आपकी। मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये देखिए, वहाँ जो ये हिजाब का इशू कर दिया है, वो जानबूझ के पर्पसली वोट पोलराइज करने के लिए और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटका हमेशा एकजुट होके रहा है और मल्टी कल्चर वहाँ पर प्रैक्टिस है। लेकिन ये जो स्कूल में ऐसी चीज़ें लाके स्कूल बंद करवाना और बच्चों के दिमाग पे असर गिरता है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर उनको कहने से कि तुम ये करो, तुम ये मत करो, जो रूल्स होते हैं वो सबके लिए होते, अब तक तो सभी लोग फॉलो करते आए, ये कोई नया चीज़ नहीं। हिजाब आज कोई पहन के गया और उसके लिए इन्होंने कुछ कहा, ऐसा नहीं था। तो कोई पहले कहता भी नहीं था उस हिजाब का जो पहनते थे, उन बच्चियों को कोई रोका नहीं पहले। आज रोकने की कोशिश इसलिए चल रही है कि किसी ना किसी ढंग से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज इसके पीछे काम कर रहे हैं। देखिए, हिजाब पर किसी तरह का सांप्रदायिक हंगामा या हॉरर न समाज के हित में है, न देश के हित में है। इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होता है, डिग्निटी होती है, डिसीजंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड पर, डिसिप्लिन पर, डिग्निटी के डिसीजन पर अगर आप जो है वो कम्युनल तड़का लगाएंगे और कम्युनल कील ठोकेंगे, तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है और किसी भी समाज के हित में नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे ऐसा सिंडिकेट इस देश में भी है और कुछ अगल बगल भी, आसपास भी है, जो कोई भी एक आइसोलेटेड घटना होगी तो उस पर भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत की सहिष्णुता और यहाँ तक कि भारत के संविधान की समीक्षा और सांप्रदायिक समीक्षा करने बैठ जाएंगे। हमारे देश में समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार बराबर से हैं और धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है। ये संवैधानिक सुरक्षा भी है और सामाजिक सुरक्षा भी है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो देश का हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हॉरर हंगामा कतई ठीक नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अपनी ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होती है, डेकोरम होते हैं। सो आवर व्यू इज, वी आर नॉट फॉर हिजाब और केसरी, वी आर नॉट, गवर्नमेंट इज नॉट फॉर एनीबडी। The only dress code that only we can allow in the classrooms. In the street, they can wear whatever they want. In the schools, dress code is compulsory. Who will violate, 100% the education department will take action. We are controlling in the better way also. Because of the student safety, we done this. It's not a general protest, it is a student protest, two parties. So that's why precautionary measure, we are 3 days, we stop the colleges. No, opposition party is doing the politics in this, especially the Congress.
सो आई थिंक दे आर बिहाइंड दिस पॉलिटिक्स।